हेलो गाइस, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे आर आर एक्सप्रेशन में। क्या होगा जब लोग अपनी हवस की भूख में मरीज के साथ सेक्स करे, वो भी पैसों के लालच में। तो आज की एक्सप्रेशन में आपको ये बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम दो भाई को देखते हैं। एक का नाम था जेफरी, दूसरे का नाम था कौड़ी। ये दोनों भाई इतने चालाक हैं कि हॉस्पिटल के सभी नंबर को हैक करके रखे हैं। अगर कोई भी इस नंबर पर कॉल करता है तो हॉस्पिटल जाने के बजाय इन दोनों भाई के पास सबसे पहले कॉल आता है। फिर हम देखते हैं एक कपल इंटीमेट हो रहे थे, बट वो लड़की हाथ में चाकू आर पर था। फिर वो कपल इमरजेंसी नंबर पे कॉल करता है। कॉल इन दोनों भाई के पास तुरंत ही आ जाता है, जेफरी और कौड़ी के पास। दोनों भाई जल्दी वहाँ पे पहुँच जाता है और उस लड़की को साथ एम्बुलेंस में बैठा लेते हैं और उनके बॉयफ्रेंड को मना कर देते हैं साथ में आने से। फिर हम देखते हैं जेफरी उस लड़की से कुछ पूछताछ कर रहा था। जेफरी उस लड़की से पूछते पूछते एक इंजेक्शन दे देता है जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर जेफरी उस लड़की को अपने सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं और उसके बॉडी को पोस्टमार्टम करके डॉक्टर के हाथ भेज देते हैं। ये दोनों भाई यही काम करते थे और यही काम करके अच्छे पैसा कमा लेते थे। फिर जेफरी उस लड़की को मैसेज कर देता है कि वो ये सब चीज़ छोड़कर बहुत दूर जा रहा है। जेफरी बच्चे की तरह हरकत करते रहता था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सिंडी नामक लड़की को, जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में फुल एंजॉय कर रही थी। सिंडी तभी एक पत्थर से टकरा जाती है। पत्थर से टकराने के दौरान सिंडी के पैर में बड़ी गहरी चोट लग जाती है। फिर सिंडी के दोस्त लोग इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं। फिर से वही हरकत, कॉल करते ही जेफरी और कौड़ी एम्बुलेंस लेकर जंगल में आ जाते हैं और सिंडी के फ्रेंड लोग को मना कर देते हैं तुम लोग मत जाओ, और सिंडी को एम्बुलेंस में बैठा लेते हैं। फिर से जेफरी उस लड़की को बेहोश कर देता है, लेकिन लोकेशन मिलाने के दौरान सिंडी की लोकेशन मैच नहीं करती है, तो दोनों भाई उनका सर्जरी नहीं करता है। फिर कुछ समय बाद सिंडी होश में आ जाती है, तो वो नेगेटिव पा जाती है और उसके लिए सीसीटीवी कैमरे पर पड़ जाती है, तो वो डर जाती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। बट वो काली गुफा में कोई उनका हेल्प करने वाला नहीं था। वहीं पे कुछ कपड़े फेंके हुए थे, सिंडी डर के मारे वो कपड़ा पहन लेती है। फिर हम देखते हैं कौड़ी शैतान साला सिंडी के लिए खाना लेकर आता है, बट सिंडी खाना खाने से मना कर देती है और खाना को फेंक देती है। खाना फेंकने की वजह से कौड़ी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो सिंडी के साथ गलत व्यवहार करने लगता है। तो सिंडी अपना जान बचाने के लिए कौड़ी को जोर से लात मारती है। कौड़ी सिंडी को मारने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तभी जेफरी सिंडी के जख्म को साफ करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। तभी सिंडी फिर होश में आ जाती है और जेफरी को जोर से मुँह पर लात मारती है। तो जेफरी उस पर गुस्सा आ जाता है और बोलता है तू मुझे लात क्यों मारी, हम तुम्हारे जख्म साफ करने लिए आए थे ना। तो सिंडी कहती है ऐसे कौन जख्म साफ करता है। जेफरी वहाँ पे चला जाता है। जेफरी वहाँ से चला जाता है। जेफरी के जाने के बाद सिंडी वही गिरा हुआ खाना खाने लगती है। कौड़ी अपने सीसीटीवी कैमरे में सिंडी को देख रही थी। कौड़ी सिंडी को परेशान करने के लिए फिर से वहाँ पे आ जाता है। कौड़ी सिंडी से कहता है अगर तू मेरी बात मानोगी तो मेरे पास ऐसा दवाई है जो तुम्हारे जख्म पे लगाती है, तुम्हारा जख्म ठीक हो जाएगा। सिंडी मान जाती है, बट वो जख्म का दवाई नहीं था, वो बेहोश का दवाई था। कौड़ी सिंडी के मुँह में वो दवाई डाल देता है। वो दवाई लेती सिंडी बेहोश हो जाती है। जब सिंडी बेहोश हो जाती है और जब सिंडी होश में आती है तो वह देखती है कौड़ी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। सिंडी बेचारी क्या कर सकती थी, वो बहुत ही कमज़ोर थी और इन दोनों भाई से बहुत डरती थी और वो हार मान लेती है। एक रात जेफरी एक फोटो से देख रहा था और कहता है ये वही लड़की है सिंडी। फिर दोनों भाई आपस में बात करने लगते हैं। फिर कौड़ी सिंडी के लिए खाना लेकर जाता है और दोनों बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं। फिर अगले सीन में सिंडी अपने कपड़ा चेंज कर रही थी कि वहाँ पे जेफरी खाना लेकर आ जाता है। वो सिंडी को नंगे देख वहाँ पे वो दीवार की मुंह और घुमा लेता है। सिंडी उसके पास जाती है तो जेफरी वहाँ से भाग जाता है। ये जितना भी हरकत हो रहा था ये सभी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था। फिर जेफरी और कौड़ी सिंडी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी कौड़ी कहता है कल सुबह तुम्हारी सर्जरी होगी। तभी कौड़ी कहता है कल सुबह सिंडी की सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर जेफरी चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कौड़ी जब सिंडी के लिए खाना लेकर जाता है तो कौड़ी के जाने के बाद वहाँ पे जेफरी आ जाता है। जेफरी को सिंडी मीठी मीठी बातों में फंसा रही थी। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कौड़ी इन दोनों की खेलमेल सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था। फिर कौड़ी जेफरी को समझाता है ये लड़की तुमको फंसाने का नाटक कर रही है, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन जेफरी कौड़ी के बातों पर ध्यान नहीं देता और उनसे लड़ाई करने लगता है। फिर जेफरी रोने लगता है। सिंडी जेफरी का बहुत ही क्लोज आ जाती है। फिर जेफरी सिंडी को अपने फैमिली के बारे में बताने लगती है। फिर अगली सुबह कौड़ी जेफरी के पास जाता है और बोलता है जल्दी से सिंडी को ब्रेकफास्ट दे दो बना के, अगली सुबह उनकी सर्जरी करना है। अगली सुबह जेफरी सिंडी के लिए ब्रेकफास्ट ले जाता है और उनके हेल्थ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करता है, पर सिंडी कहती है मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ से जेफरी चला जाता है। जेफरी के सिंडी से प्यार हो जाता है और वो नहीं चाहता कि सिंडी को मारे, बट उनका भाई कौड़ी उन्हें समझाता है तुम सिंडी के करीब मत जाओ, वो तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसा रही थी। बट जेफरी नहीं मानता है, वो सिंडी के काफ़ी क्लोज आ जाता है। एक दिन जेफरी सिंडी को अपने बहन के बारे में बताने लगता है। तुम्हारी तरह मेरी भी एक छोटी बहन थी और हम लोग के साथ ही सोती थी, उनकी अचानक मौत हो गई। उस दिन से कौड़ी अपने घर रोज लाने लगा। जेफरी और सिंडी आपस में बात कर रहे थे, वहाँ पे कौड़ी आ जाता है और जेफरी को लेकर चला जाता है। रात हो चुकी थी। जेफरी और कौड़ी अपना एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है कि अचानक उनको रास्ते में एक लाश मिलता है। वो दोनों ये लाश को अपने एम्बुलेंस में बैठा लेता है और जिस रूम में सिंडी था उसी रूम में आकर रख देता है और सिंडी को बांध देता है
और ये दोनों भाई जेफरी और कोरी उन लाश को सर्जरी करने लगता है। ये देखकर सिंडी की काफ़ी ज़्यादा होश उड़ जाती है, कई सिंडी हमें ना मार डाले। सिंडी और जेफरी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और जेफरी भी उनका बात मानने लगता है। तभी सिंडी जेफरी को कहती है, हमें अपने भाई से बचा लो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कोरी कैमरा में सब कुछ देख रहा था। वो जेफरी को मार्केट सामान आने के लिए भेज देता है और चुपके से सिंडी के पास आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी बहन को हम मारे थे। ये सुनकर सिंडी को बहुत ही गुस्सा आता है, बट वह क्या कर सकती थी। कोरी सिंडी को रूम में बंद करके बेहोश होने वाली दवाई खोल देती है। ये गैस की मदद से सिंडी बेहोश हो जाती है। जब तक कि जेफरी आए तब तक कोरी सिंडी के प्राइवेट और पार्ट को होंठ को सी देता है। जेफरी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई से लड़ाई करने लगता है। मारते मारते अपने भाई को बेहोश कर देता है। तभी सिंडी भी उठ जाती है और जेफरी को सिलेंडर से मारकर उसे भी बेहोश कर देती है और वो लड़की सिंडी वहाँ से भाग जाती है। तभी एक दिन अचानक उन दोनों भाई को एक लड़की कॉल करती है और रो रो कर मदद मांग रही थी। वो दोनों भाई अपना एम्बुलेंस लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और जैसे ही लड़की को उठाता है वो लड़की उस पर वार कर देती है। तभी वहाँ पे उन लड़की के सारे फ्रेंड भी आ जाते हैं और ये सारे दोस्त मिलकर उन कोड़ी और जेफरी को बांध देते हैं और उसी जगह पर लेकर चले जाते हैं। और वो लड़की उसी जगह पे कसाई को लेकर आ जाती है और बोलती है, इसकी बुट्टी बुट्टी बनाकर समुद्र में फेंक दो, जैसी करनी वैसी भरनी। और इस मूवी के यहीं पर एंड हो जाती है।